अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है, हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया था, उसमें हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है मिनरल्स। क्योंकि हम लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड, कि ह्यूमन फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, स्ट्रक्चर किस तरह है, अदर की डिफिशियंसी आ जाए तो ह्यूमन बॉडी में उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं या उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। इसमें हमने स्टडी किया था अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। आज हम स्टडी करेंगे मिनरल्स को। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर नहीं बनते, बल्कि इसको हम अर्थ से, सतह जमीन से हासिल कर लेते हैं, जिसको तुम लोगों ने मादियात भी कह सकते हो। तो इसकी डिफिनेशन हम इस तरह कर लेते हैं कि मिनरल आर या दीज आर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इनऑर्गेनिक होते हैं एलिमेंट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अर्थ क्रस्ट एंड कैन नॉट मेड इन ह्यूमन बॉडी एंड कैन नॉट in human body। यानी ये जो हमारे पास मिनरल्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर ये नहीं बनते, इसको हम सतह जमीन से हासिल कर लेते हैं, क्योंकि ये बॉडी की फंक्शन के लिए जरूरी होते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस एंड टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी एंड टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए और हमारे हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, हमें हेल्थी रखने के लिए। अब क्वेश्चन ये बता रहे कि मिनरल फिर हम किस तरह लेते हैं? यह मिनरल हम डाइट के साथ लेते हैं या प्लांट से वो डाइट आता है, यानी इनडायरेक्टली हम प्लांट से लेते हैं या फिर लेते हैं मिनरल से लेते हैं। प्लांट से किस तरह लेते हैं? अगर हम क्या कहते हैं, वेजिटेबल्स कहते हैं, फ्रूट्स कहते हैं, सीरियल्स कहते हैं, ऐसी चीजें जो कि हम प्लांट का प्लांट से उसको लेते हैं, तो उसके अंदर ये आ जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और हमारे बॉडी के अंदर के मिनरल के क्वांटिटी को क्या कर लेते हैं, पूरा कर देते हैं। या हम ऐसे प्रोडक्ट्स मिनरल से हासिल करते हैं तो वहां से हम गेन कर लेते हैं। अब मिनरल्स को अगेन हम डिवाइड कर देते हैं टू ग्रुप्स में, टू कैटेगरीज में। मिनरल्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स आर टू कैटेगरीज। एक है हमारे पास मेजर मिनरल्स, सेकंड हमारे पास है ट्रेस मिनरल्स, या इसको हम नाम देते हैं माइनर मिनरल्स। अब ट्रेस मिनरल और मेजर मिनरल में डिफरेंस क्या है? वो मिनरल जो हमारे बॉडी के लिए 100 मिलीग्राम या उससे ज्यादा रोजाना के हिसाब से, रोजाना यानी पर डे उसकी जरूरत हो, तो ऐसे मिनरल को हम नाम देते हैं मेजर मिनरल। दोज मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड, दोज मिनरल्स विच आर रिक्वायर 100 मिलीग्राम आर मोर पर डे। ऐसे मिनरल्स जिसकी जरूरत या जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हो, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी हो 100 मिलीग्राम या उससे ज्यादा, तो ऐसे मिनरल को हम नाम देते हैं मेजर मिनरल्स। मेजर को ऐसे बोलते हैं लास्ट को, लार्ज, लेकिन मेजर का क्या मतलब है? लार्ज मिनरल, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में मेजर है। फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, इस तरह हमारे पास आयरन हो गया, ठीक है, इस तरह हमारे पास कॉपर है, इसी तरह हमारे पास जिंक है और बहुत सारे और भी हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल ऑफ मेजर मिनरल्स।
ऑन द अदर हैंड दूसरा हमारे पास है ट्रेस या माइनर मिनरल्स। ट्रेस भी छोटे को बोलते हैं, माइनर भी छोटे को बोलते हैं जो लो क्वांटिटी में चाहिए। यानी ट्रेस मिनरल्स या माइनर मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए, हमारे बॉडी की जरूरियात को पूरा करने के लिए 100 मिलीग्राम से कम चाहिए रोजाना की बुनियाद पे। दोस्त मिनरल्स लेस देन 100 मिलीग्राम पर डे, निशानी दिन पर के लिए, मतलब दिन के लिए पर डे। एग्जाम्पल इसके हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के हमारे पास कैल्शियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ट्रेस मिनरल्स, यानी वो मिनरल्स जो कि 100 मिलीग्राम से कम चाहिए हमारे बॉडी के लिए रोजाना के हिसाब से। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, छोटा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि डिफाइन मिनरल्स, अगर एग्जाम्पल देने हुए मिनरल्स का तो दोनों दे सकते हो, माइनर का भी दे सकते हो और यहाँ पे मेजर का भी दे सकते हो। दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेस एंड मेजर मिनरल्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अबाउट द रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन, यानी कैल्शियम और आयरन हमारे पास दोनों क्या है, मिनरल्स है। कैल्शियम क्या है हमारे पास, वो हमारे पास ट्रेस या माइनर मिनरल है, और जो आयरन है ये हमारे पास मेजर मिनरल्स है। तो सबसे पहले पहले हम पढ़ते हैं रोल ऑफ कैल्शियम को। कैल्शियम का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है, इससे पहले पहले तुम लोगों को मैं बताता चलो, हमारे बॉडी के अंदर जो बोन्स होते हैं तो बोन्स टू टाइप के मिनरल्स स्टोर करते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं। एक डिपॉजिट करता है हमारे बोन्स कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं, सेकंड डिपॉजिट करता है या स्टोर करता है फॉस्फोरस को। हमारे बोन के अंदर टू मिनरल्स स्टोर होते हैं, नंबर वन इज कैल्शियम एंड अदर इज फास्फोरस। अब आते हैं कैल्शियम का क्या रोल है। तो कैल्शियम का यानी ये जरूरी है हमारे बोन्स के लिए, हमारे दांतों के लिए, जो कि दांत किस चीज से बने हुए हैं, बोन्स से बने हुए हैं, तो ये मेंटेन कर लेते हैं हमारे टीथ को एंड हमारे बोन्स को। दे आर एसेंशियल टू मेंटेन, they are necessary for maintenance of our bones and teeth. क्योंकि teeth किस चीज से बनते हैं, वो भी bones से बनते हैं। इसके साथ साथ ये सेल मेम्ब्रेन के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर बनाने में भी मदद देता है। तुम लोग हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में कि प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, सेल वॉल है। एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। लिहाजा दे आल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के मेंटेन करने में, इसके स्ट्रक्चर को बरकरार रखने में किस चीज का रोल है, कैल्शियम का रोल है। अब हमारी बॉडी किस चीज से बनी है, सेल से बनी है। थ्री हंड्रेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनी है। इसके साथ साथ ये क्या कर लेते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को बिल्डअप करने में मदद देते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज, चैप्टर नंबर 4 में हमने ये डिस्कस किया था। कनेक्टिव टिश्यू फॉर योर बॉडी दिस आर कंसिस्ट ऑफ दो सेल, यानी कनेक्टिव टिश्यू ऐसे सेल्स से बने होते हैं जो कि कनेक्शन का काम कर देते हैं, जोड़ने का काम कर देते हैं। तो कैल्शियम कनेक्टिव टिश्यू को भी क्या कर देते हैं, इसमें कनेक्टिव टिश्यू एग्जाम्पल हमारे पास क्या है,
बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी क्या है ये भी कनेक्टिव टिश्यू है, इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स है ये भी क्या है कनेक्टिव टिश्यू है। इसके साथ साथ किशन का रोल क्या है, ये हमारे बॉडी के अंदर इंजाइम्स को एक्टिवेट करने में मदद देते हैं। इंजाइम क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं, कुछ इंजाइम ऐसे होते हैं जो कि इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, हम लोग इन्हें निकालिए मतलब कि फाबीला हालत में होते हैं, सोए हुए होते हैं, अब जब वो फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं तो उसको उठाने के लिए, नींद से जगाने के लिए डीएक्टिवेट फॉर्म से या इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बोलते क्या है कैल्शियम लेके आता है। और जो है इनएक्टिवेटिंग ऑफ मेनी एंजाइम, इनएक्टिवेटिंग ऑफ मेनी एंजाइम्स। इसके साथ साथ कैल्शियम का जो रोल है फंक्शन से ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद देता है, अगर किसी बंदे को जख्म आ जाए तो खून मतलब ब्लड क्लॉटिंग खून के जमने में होती है तो वहां भी कैल्शियम का रोल है। दे आल्सो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में क्या देता है वहां पर भी इसका रोल है। यानी ये कैल्शियम क्या है हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के फंक्शन से कैल्शियम के रोल से जो कि परफॉर्म कर देते हैं। अब हम आते हैं कि अगर कैल्शियम की सोर्सेस की तरफ आते हैं, रोल के बाद हम आते हैं, यानी तुम लोगों ने अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तो तुम लोगों ने हेडिंग बना के देने, पहले रोल लिखना है, फिर सोर्सेज लिखने हैं, फिर डिफिशियंसी लिखने हैं, और यहाँ को अलग अलग क्या करना है एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, सोर्सेज ऑफ कैल्शियम यानी ह्यूमन किन किन चीजों से हमें कैल्शियम मिलता है, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या प्राइमरी सोर्स ऑफ वो है कैल्शियम, वो क्या है हमारे पास मिल्क है, क्या है मिल्क है। इसके साथ साथ ये चीज में पनीर में भी होता है, इसके साथ साथ एक यॉक अंडे का जो जर भी होता है उसमें भी मौजूद होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये फिश में भी मौजूद होते हैं, मिल्क में भी मौजूद होते हैं गोश्त में, तो ये क्या है जो ये सबसे ज्यादा किसी में मौजूद है मिल्क के अंदर मौजूद है। और यही वजह है कि जब बच्चा पहले पहले पैदा हो जाता है तो उसको दूध क्यों पिलाते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने सुना होगा कि बच्चे के अंदर पहले पहले हमारे बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स है वो है 206 बोन्स है, लेकिन स्टार्ट में जब बच्चा पैदा हो रहा है तो बोन्स की तादाद 300 होती है, ये कम हो गए यानी बच्चे में 300 एडल्ट होके 206 बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि कुछ बोन्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं और हड्डियों को क्योंकि बच्चा ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टेज से पास होता है तो इनके हड्डियों को मजबूत करने के लिए इनके जिस्म के प्रॉपर फंक्शन की इस चीज की जरूरत है, इनकी जरूरत है। अब हम आते हैं डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी आ जाए तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट्स होंगे, तो सबसे पहले पहले हमारे पास है यानी एक वो कंडीशन है जिसको हम नाम देते हैं कैटनी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है डिफाइन कैटनी। शॉर्ट क्वेश्चन में ये अलग भी आ सकता है। कैटनी क्या होता है, हमारे जो नर्व सिस्टम से न्यूरॉन से बना हुआ है और उस न्यूरॉन के अंदर पास होता है नर्व इंपल्स पास होता है, तो जब नर्व इंपल्स यानी खुद बहुत और रैपिड डिस्चार्ज हो जाए यानी वो अपने नॉर्मल रेंज से जाता है, लेकिन जब वो अचानक क्या हो जाए अचानक डिस्चार्ज हो जाए पैदा हो जाए तो इसकी वजह से जो हमारे मसल्स हैं वो क्या कर लेते हैं इनवोलंटरी हो जाते हैं, एक होता है वोलंटरी एक होता है इनवोलंटरी। वोलंटरी वो जो कि हमारे मर्जी के मुताबिक होता है, इनवोलंटरी वो जो कि हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं होता, खुद बहुत फटकार होते हैं। टेक्निक में क्या होता है कि स्पॉन्टेनस नर्व इंपल्स स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इंपल्स, डिस्चार्ज ऑफ
नर्वो इंपल्स विच लीड्स टू इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ आवर मसल्स विच लीड्स टू इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ आवर मसल्स। इसकी वजह से हमारे मसल क्या हो जाते हैं, यानी इनवॉलंटरी हो जाते हैं। तो ये कैटली डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से एक अगर कैल्शियम की बॉडी के अंदर क्या होगा तो हमारी कमी होगी। तो इनवॉलंटरी मतलब मसल क्या होते हैं, वाइब्रेट होते रहते हैं। तो ये शॉर्टनेस में भी आ सकता है, डिफिशियंसी में भी आ सकता है। सेकंड जो हमारे पास डिफिशियंसी है वो क्या होते हैं, क्योंकि बोन्स के अंदर कैल्शियम क्या होता है, डिपॉजिट होता है, स्टोर होता है, कैल्शियम की कमी है। तो बोन्स के अंदर क्या है, बोन कॉम्पैक्ट नहीं होगा, बोन क्या होंगे, कमजोर होंगे। बोन्स आर सॉफ्ट, बोन्स बिकम सॉफ्ट। जब ये सॉफ्ट होंगे हमारे बोन्स तो क्या होंगे, इजिली ब्रोक हो जाएंगे। थोड़ा बहुत देखा होगा ना कि जिस बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो रोजाना उसकी मतलब मामूली भी गिरता है रोजाना इसका, या हाथ की हड्डी टूट जाती है या इसके पाँव की हड्डी टूट जाती है। वो आगे हम वीडियो से पढ़ेंगे कि कौन से कंडीशन होते हैं, देखिए क्या है, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से। थर्ड ये अगर ये जख्म को भरने में मदद देते हैं, हीलिंग में मदद देते हैं, तो क्या है वो जो फॉर एग्जाम्पल ब्लड आ गया, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही, तो जो हीलिंग ऑफ वाउंड है वो क्या होगा, स्लो होगा, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड। हीलिंग ऑफ वाउंड बोलते हैं जख्म के भरने को, यानी ब्लड क्लॉटिंग खून जल्दी जमेगा, क्या होगा, जख्म जल्दी भरेगा। कैल्शियम की कमी है, जो जख्म है वो स्लो स्लो बढ़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम है। आज हमने किस चीज को डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया लेसन में कि मिनरल्स क्या होते हैं, इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, सतह जमीन से हासिल करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनते। उसके टू टाइप्स होते हैं, एक मेजर मिनरल्स, सेकंड क्या है, ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स वो मिनरल होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए 100 मिलीग्राम या उससे ज्यादा पर डे रोजाना के हिसाब से उसकी जरूरत हो। उसके एग्जांपल कौन कौन से हमारे पास, एग्जांपल हमारे पास आ रहे हैं कॉपर या जिंक है। इसके साथ हमारे पास क्या था, ट्रेस या माइक्रो मिनरल्स, यानी वो मिनरल जिसकी जरूरत हमारे बॉडी की 100 मिलीग्राम से कम हो रोजाना की बुनियाद पर। इसमें हमारे पास क्या है, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम। लेटर ऑन हमने स्टडी किया रोल ऑफ कैल्शियम को, कैल्शियम के हमारे बॉडी में क्या रोल है, बोन्स को क्या कर लेते हैं, बोन के अंदर डिपोजिशन होती है। इसके साथ साथ एंजाइम की एक्टिवेशन में मदद देते हैं, सेल मेम्ब्रेन के मेंटेनेंस में मदद देते हैं। और किस चीज से हम हासिल करते हैं, मेनली जो हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ कैल्शियम है वो लिंक से, इसकी डिफिशियंसी तीन में अटैक नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस नर्वस डिस्चार्ज है। इसके साथ साथ जो हमारे हीलिंग ऑफ वाउंड है वो स्लोली होगा। और थर्ड हमारे पास क्या है कि बोन्स क्या होंगे, सॉफ्ट होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रोल ऑफ आयरन को, आगे हम जाएंगे एग्जाम। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।